हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो, आशा करते हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक बटन जो दिख रहा है उससे वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2020 में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में निम्नलिखित से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बतानी है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण लेजर नहीं है, बाकी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। डिजीबिल हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी, तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और क्वेश्चन आया था एक्सएमएल स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, मतलब एक्सएमएल में एक्स का क्या मतलब है। तो एक्सएमएल की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी में पढ़े गए, मेमोरी में लिखे गए डेटा या निर्देश को कंटेनर को रखता है, तो वो इंडेक्स रजिस्टर है। इधर पे आप गौर ना करें, ये चीज़ गलत लिखी हुई है, मेमोरी बफर रजिस्टर नहीं है। इसका सही आंसर है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों में लाया जाता है, किस में लाया जाता है, तो इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर जो होते हैं उसमें लाया जाता है। और एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है, तो वो कंट्रोल बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपीसी का पूर्ण रूप है, तो ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन बाय कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान कराता है, तो उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सर्वर कहते हैं। किसी अन्य नेटवर्क पे प्रोवाइड कराने के लिए सर्वर की जरूरत होती है। किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान के लिए किया जाता है, कुकीज़ का किया जाता है। गूगल क्रोम में भी कुकीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, पावर पॉइंट, मेरी ये ब्लर हो जा रहा है। पावर पॉइंट प्रस्तुति में क्लिप आर्ट में छवियों का संग्रहण होता है उपयोग करने के लिए तैयार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मोबाइल धन की पहचान के लिए किया जाता है, तो MMID जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। IMEI में ई क्या है, इक्विपमेंट। ई का फुल फॉर्म क्या होता है, इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है, तो जो स्थान स्वतंत्र व्यवसाय है वो लाभ नहीं है, उच्च प्रारंभिक लागत भी है, सुविधाजनक वैश्विक पहुंच भी है, असीमित व्यापार समय भी है। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है तो डेटा सॉर्ट करने में भी, डेटा आसानी से व्यवस्थित करना, संख्यात्मक डेटा की गणना करना, सभी में। आपके कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्न में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का उपयोग किया जाता है, तो फायरवॉल। अगर एंटीवायरस है तो ठीक है, एंटीवायरस खत्म होने पर फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है, तो रीड ऑनली मेमोरी, ROM, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, तो NEFT जो है ऑनलाइन भुगतान है। कैश ऑन डिलीवरी, जोमेटो से बहुत सारी चीज़ें लेते होंगे या अमेजोन से, तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है, कैश पे फॉर डिलीवरी, और एक है डिमांड ड्राफ्ट। ये सभी ऑफलाइन है, बाकी NFT जो होता है। बैंकिंग से रिलेटेड है, वो ऑनलाइन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो उसे स्टार कहते हैं। गाइस, मैं आपको थोड़ी तेज़ी से करा रहा हूँ, क्योंकि जस्ट आपके पास इतना समय नहीं है, आपको तेज़ करना है, बस रिवाइज करनी है चीज़ें, दिमाग में कैच रहे हैं कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। और उसके साथ टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे बढ़िए। MS पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में सभी स्लाइड्स के लिए क्या दबाते हैं, अप्लाई टू ऑल। चलिए हिंदी पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीत अर्थ, अनिवार्य यानी वैकल्पिक हो जाएगा, अगर सही वर्तनी तो कर्तव्य निष्ठा ऐसे लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है, कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक बात बताना जो सबको जानता हो, सर्वज्ञ फूल कौन सी संज्ञा है, फूल जाति बताती है। ठीक है, नीचे समान लिंग विसंगत लिंग को पहचानना है, तो पहाड़ होता है यानी कि पहाड़ पलिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग। इसकी एक बड़ी आसान ट्रिक, जैसे कविता होती है ना, मिठाई होती है, प्यास होती है, जिसमें होती है आता है, स्त्रीलिंग होता है आता है, पहाड़ होता है ना, पुलिंग है, दही क्या है, आप स्त्रीलिंग पुलिंग कमेंट में जरूर बताएं। अब हम लोग ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप खुद ही पढ़ सकते हैं अगर आपको। पढ़ना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आ गए हम लोग आगे। दिए गए विकल्पों में आकर्मक क्रिया चुननी। आकर्मक क्रिया कौन सी होती है? हंसना। इसकी बड़ी ट्रिक है हंसना। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इसके अलग से लेक्चर बनाऊंगा। अकर्मक क्रिया है हंसना, बाकी सारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता, तो संतान नहीं आता। संतान होती है तो स्त्रीलिंग हो गया ना, संतान होती है तो संतान क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा, उत्धनचारण हो जाएगा। दिए गए विकल्पों नीलकमल शब्द की समास क्या होगी? कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है कमल जो अर्थात नीलकमल, ठीक है। घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। चिरायु में चिर उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें श्लेष अलंकार है, याद रखना है, ठीक है। और ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? जेठ हो जाएगा। ज्येष्ठ तत्सम होता है, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और उन क्लिष्ट और हिंदी में उनका प्रयोग कर दिया है तो तद्भव कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देख लेते हैं इधर पे क्या है। बोसीफेरस का नॉइजी है, ऐसे ही इंट्रेंजेंट का क्या है? स्टूबन। बोरीफेरस का क्या है? नॉइजी, यानी बोरी बोसीफेरस हल्ला गुल्ला करने वाला, नॉइजी इंस्टेटिगेंट स्टूबन हो जाता है इसका, ठीक है। एक ये आया था, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू सिंपल पास्ट टेंस में बदलना था, तो इसका बिना हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द नाइट, ये हो जाएगा। फियर ऑफ क्लॉन्स, जिससे मतलब डर लगता हो क्लॉन्स से, उसे कहते हैं कोलोरोफोबिया। कोलोरोफोबिया ये रूट वर्ड से बना हुआ है फोबिया। फोबिया से रिलेटेड कई सारे फोबियाज होते हैं, आप फोबिया की लिस्ट गूगल पर सर्च करेंगे तो आ जाएगी। फियर ऑफ क्लोन्स याद रखिए, कलोरोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। अन्नू दो इल इक्विप्ड फॉर द प्रोजेक्ट हैड डैश ट्राइड हर बेस्ट, तो नेवर थलेस ट्राइड हर बेस्ट, ठीक है। नेवर थलेस आएगा यहाँ पे। चूज फ्रॉम द ऑप्शन साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अनएक्सेसिबल, अनएक्सेसिबल का साइनोनिम हो जाएगा इनविकेबल, यानी कि अनएक्सेसिबल मतलब अविजय विजय, ठीक है ना। वल्नरेबल इंश्योरेंस अनप्रोटेक्टेड, वल्नरेबल ज्वलंत इनसिक्योर मतलब असुरक्षित, अनप्रोटेक्टेड मीन्स अनसेफ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो देखिए करेक्ट स्पेलिंग की बात की जाए तो बेनी बोलेंट गलत लिखा है, BENEVOLENT होता है। ब्लेटेंट सही लिखा है, BLATENT, ब्लेटेंट सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनिशियंट फाउंटेन वॉज हिडन द ट्रीज डैश, इधर कौन सी प्रपोजिशन का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे प्रपोजिशन अमोंग आएगी। द एनिशियंट फाउंटेन वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज, मतलब जो फाउंटेन है वो छिपा हुआ है किससे? अमोंग ट्रीज से। चेंज द, सॉरी गाइस थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ये। अब दूसरा ऐप डाउनलोड करके नई जो हमारी मैराथन आएगी उसमें बनाऊंगा, अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मिस्टर माथुर सेट कमांडमेंट कोमा आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, तो मिस्टर माथुर सेट डैट ही वांटेड टू मीट माय पेरेंट्स, है ना, ये हो जाएगा। द व्हाइट हाउस ओवर देयर डैश बिलोंग टू माई फैमिली, यूज टू प्रीपोजिशन आई है। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनना है। देयर आर डैश वर्ड्स इन द कोर्ट साइड नाउ देन बट 30 ईयर्स एगो, तो देयर आर फ्यूअर वर्ड्स मतलब फ्यूअर बहुत सारे वर्ड्स जो हैं काउंटर साइड न्यू देन 13 ईयर्स, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब नए क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। ये है हमारा द कोल्ड वेदर हैज रियली डैश हर हेल्थ, यानी कि अफेक्टेड, तो जो कोल्ड वेदर होता है वो रियली अफेक्ट करता है ना हमारी हेल्थ को। जंप ऑन द वैंड गॉन, वैंड गॉन यानी कि टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। जंप ऑन द वैंड वैगन मतलब कोई नई चीज अपनाना या नए ट्रेंड के ऊपर भागना। चूज द करेक्टली स्पेलेक्ट वर्ड, तो स्कैरिलीजियस जो है SACRILEGIUS, स्कैरिलीजियस करेक्ट लिखा है SACRILEGIOUS, SACRLIEGIOUS, ये सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन ड्रिंक चॉकलेट मिल्क आइदर हॉट टी इन द विंटर और कोल्ड इन द समर, तो इसमें तीसरा गलत है, ठीक है, हॉटर इन द विंटर वाला। आगे बढ़ते हैं। दे से दैट अ न्यू बेबी इज डैश एवरी 5 मिनट्स, यानी कि दे से दैट न्यू बेबी इज बॉर्न एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। एक ये लिखना है साइनोनिम एक्सपीडेंसी, एक्सपीडेंसी का साइनोनिम हो जाएगा कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस हो जाएगा, ठीक है। और एंटोनिम लिखना है डीम्योर, डीम्योर का एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट, डीम्योर का एंटोनिम एरोगेंट। द सेल्समैन वाज डैश ट्रेवलिंग अप एंड डाउन द कंट्री, यानी कि यूज टू हो जाएगा।
चूज द करेक्ट स्पेलेक्ट वर्ड टू पट्टी NTCL पुटीसीएन PURITANICL ये सही लिखा हुआ है। हिट द नेल ऑन द हेड, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द थीप्स वर इक्विप्ड विथ डैश की टू द सेव, यानी डुप्लीकेट चाबियों से जो है थीप्स ने इक्विप्ड कर लिया। ईच ऑफ दिस थ्री रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि सेकेंड में गलत है, थ्री रोड्स लीड। आगे बढ़ते हैं, आई कॉलिंग हर ऑफिस एट 4 o'clock एस्टरडे आफ्टरनून, तो कॉलिंग नहीं होगा, कॉल्ड हो जाएगा यहाँ पे। अ डीजल कार इज यूजली मोर डैश देन अ पेट्रोल वन, एंड इकोनॉमिकल हो जाएगा। यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 आवर बिफोर, तो बिफोर क्या है यहाँ पे, प्रपोजिशन है, ये तो कोई भी बता देगा। दे डैश स्टे इन द होटल नेक्स्ट 2 आवर्स, तो वर स्टेइंग हो जाएगा। एक्टिव वॉइस बदलना है, द बुक बैंकिंग डिलाइट्स वॉज पब्लिश्ड बाई द पेंगुइन रैंडम हाउस, तो पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिश्ड द बुक बैंकिंग डिलाइट्स। टू किल द फैटल्ड कॉफ, यानी कि टू सेलिब्रेट, टू किल द फैटल्ड काल्फ, फैटल्ड काफ यानी कि टू सेलिब्रेट हो जाएगा, आइडियम फ्रेज है। एंड वी डिसाइडेड प्लेइंग अप अनाया केम ओवर वी कम हेयर वॉश टू यूज माई कार, यानी कि इसे लाइन से लगाना है, तो पहले आएगा अनाया कम केम ओवर एंड वी डिसाइडेड, और डिसाइड किया टू यूज माई कार, टू यूज माई कार बिकॉज हेयर वॉश प्लेइंग अप, खेलने के लिए, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना इंग्लिश कर्ली आती है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन इंग्लिश का प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था, तो इस बार भी इंग्लिश का दबदबा रहने वाला है। एंटोनियम लिखना है कंडेम का, तो कंडेम मीन्स एंटोनियम हो जाएगा पार्डन, ठीक है, पार्डन, पार्डन मीन्स क्षमा। अ फायर हैज ब्रोक आउट एट अ डिस्यूट होटल एट एट सीट फ्रंट, तो इसमें सेकंड में गलती हैज ब्रोक आउट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेटेंसी, एक्सेटेंसी का साइनोनिम हो जाएगा डिलाइट, डिलाइट हो जाएगा। साइनोनिम ऑफ इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का साइनोनिम हो जाएगा बेलियंट। एंटोनिम ऑफ द स्पेंड थ्रिप्ट का हो जाएगा स्टिनी, क्या हो जाएगा स्टिग्नी, स्टिग्नी हो जाएगा स्टेम थ्रिप्ट का, स्टेम्प एक्सटेंसी का हो जाएगा आपका डिलाइट, और इंटरप्रेट का हो जाएगा बेलियंट, और स्पेंड थ्रिप्ट का स्टिंजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड बोथ नाउन एंड वर्ब, तो परमिट, परमिट दोनों में यूज हो जाएगा, ठीक है। द नेशन डैश हैज मेड 2 and even 3 car families द नॉर्म, तो एफ्यूलियंस यूज हो जाएगा, वेरी डिफरेंट आ जाएगा, फार क्राई फ्रॉम का आइडियम क्या होता है, वेरी डिफरेंट, फार क्राई फ्रॉम यानी कि वेरी डिफरेंट, फार क्राई फ्रॉम वेरी डिफरेंट। द स्टे द स्टैंड क्राइम्स अगेंस्ट द इम्यूनिटी द दे accused हो जाएगा, accused of। अपोजिट लिखना है कॉमेडी का, कॉमेडी का hostility हो जाएगा। hit the sack यानी कि to go to bed, hit the sack यानी कि to go to the bed। वो which of the following words is spelt, तो sulfuriate क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट कौन सा लिखा है, सिलूटी, सेकेंड नंबर का SILH OUTT। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर इन रिकॉग्नाइज ऑफिस ड्यूरिंग द बैटल, यानी बेल्योर, बेल्योर हो जाएगा। एक आया था मिंट बाई वर्ड डिक्टेरियस, डिक्टेरियस बेस्ट मटेरियल, डिक्टेरियस कैसे कहते हैं, बेस्ट मटेरियल को डिक्टेरियस कहते हैं। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द थिएटर, आई रिमेंबर बींग टेकन टू देयर बाय माई फादर, ये एक्टिव पैसिव वॉइस था। वट इज द मीनिंग ऑफ द नेक कार्ड, नेक कार्ड मीन्स, तो आई एम टू नेकेड गो आउट दिस इवनिंग, यानी कि टायर्ड, नेकेड मीन्स टायर्ड। इधर आ जाते हैं, विलियम शेक्सपियर्स वेनस एंड एडोनिस विलियम विल्सवर्थ की क्या है अ कंप्लेंट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो स्कीजीफोर्निया, जो स्कीजीफोर्निया है, स्कीजीफोर्निया, स्कैजीफोर्निया, स्क्रैजीफोर्निया, ये करेक्ट है, CHIZOPHRENIA, करेक्ट स्पेलिंग। और साइनोनिम एंटोनिम अच्छे सीख के जाना, सबसे ज़्यादा दबदबा इन्हीं का रहता है। आर यू कमिंग और यू स्टेइंग एट होम और विल यू गो एंड सी मोम, तो सेकंड में गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर से देख लेते हैं, आई ट्राइड टू द सर्जन टू इलिसिएट दैट द जस्ट एनी टाइम टू गेट यूज द आइडिया, तो सेकंड गलत है यहाँ पे।
इधर बढ़ते हैं MBC8। MBC8 का जो है साइन उन्हें बताना है कॉर्पुलेंट। MBC88 यानी कि कॉर्पुलेंट। MBC88 का है कॉर्पुलेंट। आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए इंग्लिश आपकी खत्म हो चुकी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घुन और केंचुए जैसे अन्य जीवों के अपशिष्टों या मृत शरीर को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो अपदरभोजी कहा जाता है उन्हें, ठीक है। मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। किसके द्वारा? मिश्रा रोड़क मृदा जो होती है उसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के सभी चरणों से सफलतापूर्वक गुजर चुका है। अब व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत एक ऐसे अंतिम चरण में पहुंच गया जिसमें साधारणतः प्रजनन शक्ति में तेजी से गिरावट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहरीकरण की सामान्य विशेषता में शामिल नहीं है? उच्च गुणवत्ता के जीवन की गारंटी ये शामिल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी गरीबी से पीड़ित प्रवासन के नकारात्मक सिंड्रोम बल हैं? तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्रोटाइजेशन। ये मनमोहन सिंह जी ने किया था, आपको पता होगा। इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन हिंदी में कर ये लिखा है इस तरफ, सॉरी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये चीज़ मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी को निकालने के लिए किया था, ठीक है। बताइए मनमोहन सिंह कितने नंबर के हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी थे? एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं उन्हें? अवघटक कहते हैं, ठीक है, याद रखना, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कारण हैं? प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन, ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को वर्गीकृत किया जाता है। सर्प द्वितीयक मांसाहारी हैं। भारत में शहरीकरण की मूल विशेषताओं को इस तरह उजागर किया गया, एक तो होता है बस्तियों की बहुत ज़्यादा वृद्धि और तीसरा होता है शहरीकरण की खराब गुणवत्ता। कम घनत्व के क्षेत्र, कम वर्षा या कर्कश भूभाग या कठिन जलवायु स्थितियों, इन कारकों के संयोजन से ग्रस्त होते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की इस प्रकार की स्थिति है? तो सिक्किम में इस प्रकार की स्थिति है। निम्नलिखित में से भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन गैस, गैसों को औद्योगिक उत्सर्जन जो है। भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? जलवायु को प्रभावित करने वाली ग्रीन गैसों का औद्योगिक उत्सर्जन, उसे हम लोग कहते हैं भूरा कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद नहीं है? तो भैया शुक्र ऐसा है जिसका कोई भी चांद नहीं है, शुक्र का कोई भी चांद नहीं है। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो चीन की। बवंडर क्या है? कीपदार बादलों के जोरदार घूमती हुई हवा। इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदेश कभी कभी समुद्र के सतही जल को गर्म होने को कहा जाता है, एल नीनो। एल नीनो कैसा कहा जाता है? गर्म। कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कोई कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। स्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अपमृदा हमेशा जमी होती है। ग्रीष्म काल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। छोटा उपज, मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई बढ़ने वाले पौधों को सहारा दे दें। तो ये टुंड्रा जलवायु में ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी। द्वीप समूह का तात्पर्य क्या है? काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह, निकट हो द्वीपों के। उल्लू यानी कि उल्लू रिफर्स टू का तात्पर्य क्या है? रेतीली पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है, उल्लू कहते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? तो 1, 3, 4 और 5 के द्वारा। उष्णकटिबंधीय, कोष्णकटिबंधीय और शीत हिमवन जलवायु और एक आपकी है शीत जलवायु के द्वारा। ब्राजील किस उपमहाद्वीप में स्थित है? तो ब्राजील आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो मृत सागर जो है निम्नतम स्थान है, या मृत सागर सबसे खारा सागर है, मृत सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूरे वर्ल्ड में कैस्पियन सागर है, और मीठे पानी की सुपीरियर झील है, और सबसे गहरी झील बेकाल झील है। नाव की बात की जाए तो टिटिकाका झील है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। और भारत में पूछ ले सबसे खारी पानी की झील तो उड़ीसा में है, अब नाम आप बता दीजिए कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस हैं। 2019 के संचालक के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? तो क्रिस्टलिना जॉर्जियावा को किया गया था। करंट अफेयर्स अभी नए पढ़िए आप, 2019 का तो शायद ही आए। श्रीलंका में सबसे लंबे टावर का नाम क्या है? तो ये याद रख लो, लोटस टावर जो है श्रीलंका में सबसे लंबा। चौथे हिंद महासागर सम्मेलन
माले में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मना? हाँ ये इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई, याद रखना 30 जुलाई को मनाया जाता है मानव तस्करी के खिलाफ दिवस। तो हमेशा तभी मनाया जाएगा ना, एक बार डिसाइड हो गया तो। मानव तस्करी के विरुद्ध 30 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया में 29 अगस्त, ये याद नहीं रखना क्योंकि ये पुराने हैं ना। किस ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो स्काई बोट था वो। 29 जून को मनाने गए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का थीम, अब 2021 का याद रखना, लेकिन याद रखना सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून, सांख्यिकी दिवस 29 जून। और एक और अभी अपन ने यहाँ पे याद किया, 30 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, सॉरी मैं कह रहा विरुद्ध दिवस। आधिकारिक सांख्यिकी गुणवत्ता यानी कि सांख्यिकी दिवस 29 जून, ठीक है। करंट अफेयर्स अब पुराने पढ़ने का फायदा नहीं है ना इस वजह से। निम्नलिखित में से किसका चयन भारतीय निर्यात संगठन FIU के अध्यक्ष के रूप में किया गया है? अभी बदल चुके होंगे तो क्या फायदा। 24वां विश्व ऊर्जा आयोजित कहाँ किया गया? ये सब चेंज हो चुका है, पुराना है ना, ये नया चीज पढ़िए नया, ठीक है। ज्यादा वो नहीं करिए, स्टाइल मत मारिए, शांति से सुनिए। करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, ये पुराने हैं। इससे रिलेटेड आप नए करंट अफेयर्स देखिए, शायद फंस जाए। मैन मैन क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ये देखिए। तर्कस में तीर रखा जाता है, स्थान पे क्या, मयान में क्या रखी जाएगी? तलवार। इसमें आपको निकालना है, ये गिचपिच बना हुआ है, आप सवाल देख के सॉल्व कर सकते हैं, 788 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ABCD। ये भी रीजनिंग का सवाल है भैया, आप खुद करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि करने का है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो माई टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब पर भी कर ही लियो यार। कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ खरगोश मच्छर हैं, भैया मच्छर खरगोश ये आप बना लेना रीजनिंग। अब इसमें क्या बनाया जाए, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो रीजनिंग है, अब देखिए रीजनिंग तो यहाँ सॉल्व नहीं होगी, जो जो पढ़ने का है वो अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वोकैबुलरी कैन नॉट यूज़ कार केबल, इसमें आपको ये बताना है कि इससे क्या नहीं बन सकता, तो केबल नहीं बन सकता है, सरली आती है रीजनिंग बना लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को, भाई यूपी का अच्छे से पढ़ के जाना, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और वाराणसी को अभी प्रथम हरित म्युनिसिपल के लिए भी अवार्ड मिला है, और वाराणसी से हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है सांसद भी हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। नहीं पूछ ले तो हिल हिला जाओगे वहाँ पे। चार सेनों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राजचिन्ह के रूप में सारनाथ, कहाँ से अंगीकृत किया गया? सारनाथ से, याद रखना। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो भैया मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस विश्व हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? तो मथुरा में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है। तक 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 थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, कोई ना, आप लोग तो समझदार हैं। इसमें से बताना है सही मिलान कौन सा किया गया है? तो दो और चार किया, यानी फिरोजाबाद कांच और के लिए है, और बनारस हथकरघा का हस्तशिल्प के लिए। मुरादाबाद भैया चमड़ा और कपड़े के लिए यानी पीतल के लिए है, ठीक है, ये उल्टा लगा दिया। कानपुर जो है चमड़ा और कपड़े के लिए है, उल्टा घुमा दिए आपको हैं, कोई बात नहीं, आपको तो पता है, होशियार हैं आप। गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं, बिल्कुल हाँ गोविंद सही है ना, ये चीज़ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री हैं ना, ना मुख्यमंत्री नहीं है, राज्य मुख्यमंत्री हैं, सॉरी सॉरी राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री भी थे। मिर्जापुर, भदोई, खमर और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात करते? तो भैया भदोई, मिर्जापुर मूवीज देखी होगी, लेकिन मिर्जापुर से कालीन भैया को समझ के कालीन मत मार देना, कालीन के लिए नंबर 1 पे भदोई है, याद रखना। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में 403 निर्वाचित और एक नामित किया जाता है। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, ठीक है, याद रखना ये। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के कैसे कार्य निर्धारित किए गए? उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उनका न्यायपीठ लखनऊ में है। कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिले में पाए जाते हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर मिल जाएगा आपको मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो दुदमा, दुधवा, कान्हा और अमनगढ़ और बांधवगढ़। दुधवा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पर कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा है, अमनगढ़ है और बांधवगढ़ है। अच्छे से याद रखना ये बांधवगढ़, बांधवगढ़ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान लंबाई और समय की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई की मात्रा क्या है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम जो है सबसे भारी तत्व है। ठीक है, औषधि की कौन सी शाखा शरीर और ऊतक द्रव्य से संबंधित है? फिजियोथेरेपी। कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? सतह का खुरदरापन। सरोता किस में आता है? सरोता श्रेणी दो का उत्तोलक है। दो चीज़ें होती हैं सरोते में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है? भैया विटामिन सी। विटामिन सी से होने वाला रोग एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। होने वाला रोग पायरिया। लिटमस लाल हो गया, लिटमस नीला हो गया, लिटमस का रंग नहीं बदला। विलयन एक अम्लीय है, विलयन दो क्षारीय है, विलयन तीन उदासीन है। भैया बिल्कुल सही। उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल देते हैं। नहीं, केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणी है? कैचुआ और जोंक जो होते हैं वह अकशेरु, मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और हलचल, स्पष्ट दृष्टि, श्रवण और विचार के लिए? तो कॉर्टेक्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स। ये पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में तार का घुमाव द्वितीय कुंडलन की तुलना में ज़्यादा है, तो प्राथमिक की तुलना में द्वितीयक पर आउटपुट वोल्टेज कम होता है और इसके परिणाम स्वरूप धारा बढ़ती है। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई ड्राइवर उसके हाथ पर हाथ और पैर फैलता है, तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा। कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। एलेक्स कहता है, यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान के मध्य का बल दोगुना होता। और ट्रेसी कहती है, यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता। कौन सही है? एलेक्स और ट्रेसी दोनों ही सही हैं भाई, अपनी अपनी जगह सब सही होते हैं। अब मजाक कर रहे हैं, इधर पढ़ लेना अच्छे से कि पृथ्वी पर जब आप होंगे तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है। वो अपनी जगह कह रहा है द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना हो जाएगा, तो बात तो सही है ना दोनों की। इसलिए कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो यहूदी धर्म जो है गैर भारतीय है, बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सब भारतीय धर्म है। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ क्या था? अर्थशास्त्र। भैया पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में लड़ा गया, बाबर भाई जीत गया था। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित? संगम राजवंश से संबंधित है, कृष्णदेव राय। घटनाक्रम के अनुसार लगाना है तो लगा देते हैं, उसमें क्या है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है सॉरी, सर्दियों में आलस बहुत आता है लेकिन सोना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हुंडी जो है एक तरीका का विनिमय पत्र होता था उस समय। हुंडी किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत में नेपोलियन के रूप से जाना जाता था? भारत का नेपोलियन भाई समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? अशोक द्वितीय। कोई बताएगा यार कमेंट में कुछ, आप भी बताइए। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? तो महमूद गजनवी ने नष्ट किया था। कितनी बार लूटा था ये बताओ। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स? न्यूमेस्टिक्स। बंगाल में 1700 उत्तर में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी? बिल्कुल नहीं। गांव के रैत जमींदारों को किराया देते थे? सही है। जोतेदार अन्य रैतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे? बिल्कुल सही। रैत गाँव में राजस्व जमा मांग को बांटते थे? बिल्कुल सही है। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 लोगों को लेके तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की थी। दूसरा 86 में हुआ था कलकत्ता में। कौन था अब आप बता दीजिए, अध्यक्ष कौन थे उस समय? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गदर आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी अलग है, आंदोलन अलग है। 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ बनाया और पहली ट्रेन कहाँ? 1853 में पहली ट्रेन बम्बई से थाने में चली थी। उस समय गवर्नर कौन था ये आप बताएं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया गया? झांसी राज्य को हड़पने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं जुड़ा हुआ। नमक कानून है, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जन भागीदारी भी है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ये सब था लेकिन सविनय अवज्ञा नहीं था। एक सेकंड क्लियर हो जाओ।
कांग्रेस के नरम और गरम दल समूहों के बीच विभाजित हो जाने के आंदोलन किस नेता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का भाग जाना गया? गोपाल कृष्ण गोखले जी को जाना गया। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय सुधारकों के आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया? राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक दो लोग मिलकर कर रहे थे। निम्नलिखित में से सत्य में दादाभाई नौरोजी ने स्व सरकार या स्वराज को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया? तो लाहौर, लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज की, लाहौर अधिवेशन में जो है पहले दादाभाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की मांग की थी, लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। इसके बारे में एक स्टोरी है, बाद में बताऊंगा, टाइम हो जाएगा इसे, इसलिए जल्दी पढ़ते हैं। इनमें से माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु कौन से हैं? तो एक और दो, पंजाब और बंगाल विधानसभा में विभाजन के साथ स्वतंत्रता के लिए मतदान करने हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के दो समूहों में मिलेंगी, और सिंध पाकिस्तान का भाग होगा, ये चीज़ इसमें कही गई थी। पारंपरिक फूलकड़ी कढ़ाई शैली किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है पारंपरिक फूलकड़ी। और लोकगीत एक की एक शैली है रागनी, रागनी वही हरियाणा में गाया जाता है, रागनी बहुत फेमस है। किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? उत्पादन लागत कर GDP कहते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति प्रति इकाई आय परिवर्तन पर उपयोग में परिवर्तन को कहते हैं। निम्न सिल्क रूट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एक दो तीन चार सही है। मार्ग सांस्कृतिक और संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता था। सिल्क रूट पूर्वी और उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बटा जाता था। दक्षिणी सिल्क रूट को खेतान और सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। इसके चारों ही सही हैं। सूफीवादी के संबंध में बेसंगीत और उपदेशों के जरिए आदि मुक्ता का प्रचार करते थे। सूफी उनके धार्मिक दृष्टिकोण में बहुत ही रूढ़िवादी होते थे। सूफी धार्मिक संप्रदाय सिलसिला में संगठित होते थे। प्रदत्त समय अवधि में वस्तुओं के निर्यात और मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को कहा जाता है भुगतान संतुलन कहते हैं। भैया याद रखियो, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो आसियान का भाग है भारत, है ना, आसियान का। ठीक है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर, कमेंट में बताओ। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति तीनों का होता है भाई कमांडर। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जा सकता है? राष्ट्रपति। राजकोषीय घाटा क्या है? ऐसी स्थिति जहाँ सरकार की आय कर और प्राप्तियाँ उनके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। घाटा क्या है? जब भाई जब कमाओगे और उससे ज़्यादा उड़ाओगे तो घाटा है। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूक्षरण में कौन से कारक योगदान देते हैं? तो निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों, पशुओं का अतिचारण और वर्षा और हवा, ये सब देते हैं। औद्योगिक और पुरोत्पादन इनके लिए किन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता? मधुमक्खी पालन पर। सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? संसाधन संरक्षण तकनीक का। सब्सिडी का उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना, अवसर रचना, तो विकास निर्यात को बढ़ावा देना और किसान को लाभ बढ़ाना, ये सभी ही सही है इसके। इधर आ जाते हैं। यथा मूल कर का तात्पर्य है उत्पादित उत्पादन की इकाइयों पर लागत के रूप में लगाया जाने वाला कर। अम्लीकरण का नाइट्रेट निर्जलापन क्या है? मृदा के रसायन रसाव की प्रक्रिया। ठीक है, इनमें से किस उपाय का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा? तो वाटर सीड जो है प्रबंधन प्रणाली का असर बुरा पड़ेगा। और किसी भी निर्धारित शक्ति पद्धति के बिना एक ही समय पर दो से अधिक फसलें उगाने की रिले या रतून खेती कहते हैं उसे। आप बताइए मिश्रित या झूम, एक मिश्रित खेती होती है, झूम खेती कहाँ पे की जाती है? ठीक है, कमेंट में बता देना, ये चीज़ और देख लेते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा पेज उल्टा करना पड़ेगा, कल लेंगे आप, चलता है। सॉरी, ये था बहुत अधिक सिंचाई और जल निकासी का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक दो तीन चार सभी सही हैं। जल भराव हो जाएगा, मृदा लवणता हो जाएगी, इसमें भूजल स्तर कृत्रिम रूप से बढ़ जाता है, इससे हमारे पौधों की ऑक्सीजनता भी गिरावट रुकावट आ जाती है। ठीक है ना, परिरेखा खेती और परिरेखा पट्टीदार खेती, मिश्रित खेती और जुताई, इनमें से किन शब्दों के उदाहरण हैं? यांत्रिक कृषि विज्ञान मृदा तथा जल संरक्षण के। अंतर खेती की सफलता के लिए आदर्श रूप से इनमें से किन अवस्थाओं की पूर्ति की जानी चाहिए? तो दो तीन और चार की, यानी कि बोई गई फसलों को पूरकता विद्यमान होना चाहिए, घटक फसलों के लिए चरम पोषकता मांग का समय एक नहीं होना चाहिए, घटक फसलों की परिष्कृतता में कम से कम 120 दिन का अंतर होना चाहिए। तो गाइस आपका जो है यहाँ पे मैंने आपको
2020 वाला जो है प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद हम आपको जो है 2019 में जो पेपर हुए वो कंप्लीट करवाएंगे, उसकी सीरीज अब कल आएगी और मैराथन देखते हैं शाम तक शायद रिलीज कर दी जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।